हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार दशहरा अपने साथ छुट्टियों का कंप्लीट पैकेज लेकर आ रहा है, क्योंकि दशहरे के दिन के बाद सैटरडे और संडे है, यानी कुल मिलाकर 3 या 4 दिन की छुट्टी, जिसमें आप जमकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। वैसे आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा ख्याल तो आ ही रहा होगा, पर यह उलझन होगी कि कहाँ घूमने जाएं। तो आइए आपकी इस मुश्किल को मैं आसान कर देती हूँ। आपको बताते हैं कुछ ऐसी जगह के बारे में जहां आप इस दशहरे के वीकेंड में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कसौनी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 6,075 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसा है। यह दिल्ली से 470 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि एक बार यहां आने के बाद आप वापस नहीं जाना चाहेंगे, साथ ही यहां के नज़ारे जल्द वापसी का आपसे वादा भी ले लेंगे। प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड की ये एक छोटी सी जगह यूं तो ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ वक्त शहर की भागदौड़ से दूर बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहाना बना रहता है, हर तरफ हरियाली आपको एक अलग दुनिया का एहसास कराती है। 3 दिन की इस छुट्टी में जोधपुर घूमने के लिए सबसे बढ़िया वक्त है, क्योंकि इस वक्त ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। इसलिए गुलाबी ठंड जैसे खुशगवार मौसम में तेजक सफारी, किलो की सैर और यहाँ के लजीज व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। कुदरत के बारे में जितनी सुंदर कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है हिमाचल का यह पर्वतीय नगर मनाली। यह जगह अपनी खूबसूरती और हरियाली से लोगों को अपनी ओर खींचता है। लोग मंत्रमुग्ध हो यहीं खो जाते हैं। मनाली जो दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे रंग बिरंगे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ की सुंदर वादियों को निहारना जीवित अवस्था में स्वर्ग देखने जैसा लगता है। कश्मीर को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। सफेद बर्फ से ढके पहाड़, सेब के बगीचे और रंगीन फूलों के बीच समय बिताना आपके लिए बहुत यादगार रहेगा। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और भारत का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट हब है। शिमला फोटोग्राफरों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के मंदिर, मार्केट, सबके बीच आपकी छुट्टियाँ और भी अच्छी बीतेंगी। देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आप राफ्टिंग, ट्रेकिंग आदि का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खेलों के शौकीन हैं, तो यहां आपके लिए बेहद रोमांचक खेल भी उपलब्ध है। दक्षिण भारत में जब किसी हिल स्टेशन का ध्यान करते हैं, तो नीलगिरी माउंटेन रेंज पर बसे इस शहर का नाम सबसे पहले ध्यान आता है। जी हाँ, ये शहर है ऊटी। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर भारत का पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन है। पूरे देश में जब गर्मी रहती है तो यहाँ का मौसम और भी सुहावना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस दशहरे वाले वीकेंड में यूं ही घर पर बैठकर बोर मत होइए, बल्कि इन जगहों में से किसी भी जगह पर घूमकर आइए। पर दोस्तों, उससे पहले मेरे इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके देते जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।